हेलो दोस्तों, मैं दीप्ति उपाध्याय आपको लेके आई हूँ TTC रेस्टोरेंट में। ये खाली रेस्टोरेंट नहीं, ये एक सोच है। आइए चलते हैं इस रेस्टोरेंट में। नमस्कार, मेरा नाम मोहिनी सुतार है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मुंबई में घाटकोपर से, और नेटिव प्लेस मेरा कर्नाटका है। पलीबड़ी में मुंबई से ही हूँ और मैं काम कर रही हूँ फिलहाल। हम सब जहाँ बैठे, इस कैफ़े का नाम ही दी ट्रांस कैफ़े है और इस कैफ़े के नाम में ही इसके अर्थ छुपा हुआ है, ट्रांस। ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा कैफ़े है जहाँ पर ओनर से लेकर हाउसकीपिंग स्टाफ तक सभी लोग ट्रांसजेंडर लोग ही काम करते हैं, तो यही बात इसे बहुत यूनिक बनाता है। मतलब ये आपने कैसे सोचा कि आपको एक मतलब कैफ़े खोलना है? शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमें इस काबिल समझो, उस कैफ़े को इस काबिल समझा कि आप आपके ज़रिए हमारी सोच, हमारी इमोशंस और हमारे द ट्रांस कैफ़े के इस नए सोच को लोगों तक आप पहुँचाने की एक ज़रिया बन रहे हैं। इस ट्रांस कैफ़े के जो ओनर है जिनका नाम है दी जैनब पटेल, जैनब पटेल मैम जो है इस कैफ़े के ओनर है और शी इज़ आल्सो ट्रांस, और इस कैफ़े के ओनर होने के बावजूद वो इसके अलावा भी सोशल वर्क करते हैं कम्युनिटी के लिए, LGBT कम्युनिटी के लिए। बरसों से हमने देखा है ज़्यादातर ट्रांस लोग, किन्नर लोग जो है या तो हमने सेक्स वर्क करते हुए ही देखा है या फिर उन लोगों को हमने ट्रेन में सिग्नल पे बेगिंग करते हुए, हमने उनको मंगती करते हुए ही देखा है, या फिर कोई भी त्यौहार होता है या फिर घर की ओपनिंग होती है, दुकान की ओपनिंग होती है, उन पे लोग नाच गाना करके जो है अपना बसेरा करते हैं, जो भी हम पैसे देते हैं उनको मानधन देते हैं जी। तो बट ये हम कब तक करें? क्या हम किन्नर है तो हमारा बस अधिकार यही है कि हम सेक्स वर्क ही करें या फिर हम जो है बेगिंग ही करें या फिर हम सिर्फ नाच गाना करके हमारा गुजारा गुजार? नहीं, ये मैं उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। अगर काफ़ी साल पहले अगर इस दुनिया के सभी जो नागरिक हैं अगर उन लोग हमें अपॉर्चुनिटी देते काम करने का, एक प्लेटफॉर्म देते, हमें भी एक समानता देते, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमारे लिए जो कानून है, आपके लिए जो कानून है, तो हम सभी के लिए सेम कानून होना चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक होने के नाते हम भी वोट करते हैं, तो हमें क्यों सभी अधिकार क्यों नहीं मिलते? क्यों आपके नज़रिए में हमारा जेंडर, हमारा सेक्सुअलिटी और हम किन्नर लोग हम अलग हैं? इसी सोच को बदलने के लिए और इसी सोच को दुनिया के सामने एक नया क्या कहते हैं उदाहरण के तौर पर रखने के लिए जैनब मैम ने इस पहल को शुरू किया, और ये उन्हीं की सोच थी जिनकी सोच को हम सभी लोग सलाम करते हैं। हमारे लिए साक्षात तो भगवान के स्वरूप है कहीं ना कहीं, और ना हम में से काफ़ी हमारे स्टाफ है जो हम बेगिंग करते थे या फिर नाच गाना करते थे, सेक्स वर्क करते थे, आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम 8 से 10 घंटे की नौकरी करके हम सीना तान के सर उठा के हम भी कह सकते हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं और हम काम करके पैसा कमा रहे हैं, हम सेक्स वर्क करके या फिर हाथ फैला के पैसा मांग के नहीं कर रहे हैं हम काम। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं और जैनब मैम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हमें उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें एक इज्जत दिया है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट मिलता है हमको, और उन्होंने रहने की सुविधा कर दी है स्टाफ लोगों को, और खाने पीने की सुविधा, हर तरह का जो मॉरल सपोर्ट लगता है हर तरह की, वो हर एक सपोर्ट जैनब मैम हमारे लिए करते हैं। और इस कैफ़े को ओपन करने के लिए रोटरी क्लब, क्वींस नेकलेस जो संस्था है उनके मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से कैफ़े कहीं ना कहीं आज इस जगह पे खड़ा है। जैनब जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोसाइटी इनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। जब आपने ये रेस्टोरेंट ओपन किया था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, या मतलब सब लोगों ने सपोर्ट किया, क्या हुआ? ज़रूर, ये सवाल बहुत अच्छा रहा। चैलेंजेस हमें भी आए क्योंकि अब तक हमने ट्रांसजेंडर लोगों को हमेशा जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सेक्स वर्क या फिर बेगिंग करते हुए देखा है, तो जब लोगों ने देखा कि एक ऐसा कैफ़े खुला है जहाँ पर ओनर से हाउसकीपिंग स्टाफ तक सभी लोग जो है इस कैफ़े के अंदर ट्रांस लोग ही काम कर रहे, किन्नर लोग काम कर रहे, लोग इस बात को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं हम लोगों की सोच या फिर हमारी मानसिक सोच को ऐसे ढाल चुके हैं ना कि हम उस चीज़ से हम कुछ बड़ा सोचना ही नहीं चाहते। अगर हम हमारा सोच को बड़ा करते हैं और क्या कहते हैं आउट ऑफ द बाउल अगर हम सोचते हैं, तो
तो हमें पता चलेगा कि हमारी भी कुछ फीलिंग्स हैं, हमारी भी कुछ इमोशंस है, तो हम किसी चीज़ के भूखे नहीं, बस कुछ रेस्पेक्ट और कहते ना आप लोगों की प्यार की सख्त ज़रूरत है। चलिए अब इनके साथ साथ इनके और लोगों से भी मिलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम माही मालिनी पुजारी है, मैं प्रॉपर बॉम्बे से हूँ और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर आने का कैसा सफ़र रहा? यहाँ तक का सफ़र अगर पूछोगे मैम तो 2016 से मैं कैफ़े और होटल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड थी। जब स्कूल टाइम में थी तो मैं 10वीं फेल थी, बट मेरा ड्रीम था कि मैं HM, कि मुझे होटल मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था, किचन में इंटरेस्ट था, बट मैं ट्रांसजेंडर होने की वजह से मुझे ना ही आगे बढ़ने को मौका मिला और ना ही कोई जरिया मिला, क्योंकि मैंने खुद को एक्सेप्ट किया कि मैं क्या हूँ। उसके बाद फिर मैं मेरे कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हुई, थर्ड आई कैफे ये ओपन हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एज अ स्टीवर्ड, मैं वहाँ पे जॉब पे लगी, 3 साल वहाँ पे मुझे ट्रेन किया गया, तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर लॉकडाउन में वो कैफे बंद हो गया, उसके बाद फिर उम्मीद की किरण टूट गई, फिर मैं बैगिंग पे आ गई। बैगिंग करते करते फिर धीरे धीरे मुझे जैनब मैम ने कॉन्टेक्ट किया और जैनब मैम का कॉन्टेक्ट हुआ कि मैम को ऐसा एक कैफे ओपन करना है जो कम्युनिटी के लिए ही स्पेशल है। आपका नाम अवेज शेख? ओके, ये अवेज है। अवेज आप यहाँ कब से हैं और आप क्या करते हैं? फ्लोर पे वो खाना वगैरह सर्व करना। मुझे जॉब से निकाला गया कि बॉडी टोन और मतलब मेरी बात करने के चलने के बोले ऐसा तुम गे हो करके, इस बात से मुझे निकाला गया कि बोले हमारी कंपनी का नाम ख़राब होता है। इस वजह से जैनब मैम का थैंक यू कि जिसने जैनब मैम ने मुझे यहाँ पे बुलाया और ख़ुद जैनब मैम ने मुझे यहाँ पे काम दिया। हाय, मेरा नाम गौरी है, मैं लातूर महाराष्ट्र से और ट्रांस कैफे में हेल्पर का जॉब करती हूं। आइए हम बात करते हैं अब रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों से। कैसे हैं आप? इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रेस्टोरेंट में आते घर वाला फीलिंग आता है, जो खाना है वो बिल्कुल घर के जैसा है। अच्छा, आपको क्या पसंद आया है इनके यहाँ का? इनका बिहेवियर पसंद आया सबसे अच्छा, तो और ऑर्गेनाइज करने का तरीका अच्छा है सब। खाना तो बाकी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, अच्छा है यहाँ का। अब आती है बारी मेरी खुद की और मैं अब खुद ट्राई करूँगी कि यहाँ पे खाना कैसा है। ये है यहाँ के महाराज जी और इनकी स्पीड आप देख सकते हैं। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम सिंह है। कहाँ से आप? मैं बिहार दरभंगा जिला से। मुंबई में ऐसा परोठा कोई नहीं बनाता होगा। महाराज जी ने कहा है कि आटे में आलू आटे से 6 गुना ज्यादा, आप देख सकते हैं उन्होंने कितना ज्यादा आलू इसमें फुल किया है। आलू के पराठे के साथ दही कुकुमर का रायता एंड चटनी, और ये क्या है? वेज थाली। इसका क्या प्राइस है? 80 रुपीस। दोस्तों इतना चीप रेट में तो आपको कहीं भी इतना स्वादिष्ट और इतने अच्छा दिखने वाला लजीज खाना मिल नहीं सकता। ये यहाँ पे दाल है और ये है दम आलू और ये फ्राई आलू और इसमें आपको राइस और 3 चपाती पापड़, इतनी प्यारी कलरफुल प्याज खाने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा स्वाद आने वाला है मुझे तो। अब आपको स्वाद चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ का खाना खाना पड़ेगा इनके प्यार के साथ, और ये इतना सारा अच्छा अच्छा खाना, दोनों ही चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए आके। आज मुझे जो खाना मिला है इतना टेस्टी, वो इन सब की बदौलत है और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी लोग इनका साथ दें, इनके यहाँ खाना खाने आएँ और इतने प्यार से जिन्होंने मुझे खिलाया वो आपको भी खिलाएंगे। तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर आइए, इनका सपोर्ट कीजिए, इनकी नई सोच को हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इनको एक अच्छा मुकाम हासिल करने में इनकी मदद कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।